साल 2021 में मार्वल ने 4 एमसीयू मूवीज और 5 डिज्नी प्लस शोज के साथ रिलीज किए फेज 4 में कुछ न्यू कैरेक्टर्स, जिसमें न्यू ब्लैक विडो येलेना बेलोवा, 10 रिंग्स का ओनर शैंगची और एक टोटली न्यू टीम इटर्नल्स की भी शामिल है। इस साल डिज्नी प्लस के 2 न्यू शोज के थ्रू 2 नए कैरेक्टर्स मून नाइट और मिस मार्वल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और इसी टीम को जल्दी ही ज्वाइन करती दिखेगी शी हल्क भी। इस साल की मूवी लिस्ट की शुरुआत हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ, जिसके बाद अब जुलाई में रिलीज होगी थॉर लव एंड थंडर और इस साल की लास्ट मूवी के रूप में हमें देखने मिलेगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। लेकिन एमसीयू की फ्यूचर मूवीज और भी न्यू कैरेक्टर्स को इस लाइनअप में ऐड करते दिखेगी, जिनमें मार्वल की फर्स्ट सुपर हीरो फैमिली द फैंटास्टिक फोर, एक वैम्पायर सुपर हीरो ब्लेड के रूप में और एक्समैन के थ्रू म्यूटेंट्स की पूरी टीम और रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल भी एमसीयू में डेब्यू करने वाला है। अब डिज्नी ने बहुत सारी एमसीयू मूवीज की फ्यूचर रिलीज डेट्स ब्लॉक कर रखी है, यानी कि इन डेट्स पे कोई ना कोई एमसीयू मूवी रिलीज जरूर होगी और सभी मूवीज के प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी मूवी किस डेट को रिलीज हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। ब्लेड। मार्वल की इस कैरेक्टर ब्लेड पे 1998 में एक ट्रेलोजी सीरीज बन चुकी है। साल 2002 में स्पाइडरमैन सीरीज के शुरू होने से पहले तक ब्लेड ही इकलौता ऐसा सुपर हीरो था जो मूवी वर्ल्ड में पॉपुलर हो पाया। वो खुद एक वैम्पायर होने के बावजूद इस वर्ल्ड से ह्यूमंस को मार रहे वैम्पायर्स को खत्म करना चाहता है। इसी कैरेक्टर ब्लेड को लेके मार्वल स्टूडियोज अब एक रीबूट प्लान कर रहे हैं एक टोटली न्यू मूवी ब्लेड के साथ, और ब्लेड का वॉइस ओनली केमियो ऑलरेडी हो चुका है इटर्नल्स मूवी में। इटर्नल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं विटमन को एक चेस्ट खोलते हुए, जिसमें रखी दिखती है एक स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड है इबोनी ब्लेड, जो कि एक की ऑब्जेक्ट था डेन विटमन की कॉमिक बुक स्टोरी में भी, जिसके यूज से वो ट्रांसफॉर्म हुआ था ब्लैक नाइट में। लेकिन यहाँ जब डेन विटमन उस स्वॉर्ड को टच करने वाला होता है तो उसे पीछे से किसी की आवाज रोकती है। ये आवाज है एमसीयू के न्यू ब्लेड की। ऑफ कोर्स मूवी की स्टोरी इस न्यू कैरेक्टर के ओरिजिन के साथ साथ इसका एमसीयू की करंट टाइमलाइन में टाइप भी दिखाएगी। अब एमसीयू के यूनिवर्स में माइथोलॉजी होने के साथ साथ मोस्टली साइंस बेस्ड स्टोरीज हैं, तो इसमें मार्वल एक ब्लड सकिंग वैम्पायर स्टोरी को कैसे इंक्लूड करेगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ब्लेड मूवी रिलीज हो सकती है अगले साल की लास्ट एमसीयू मूवी के रूप में 3 नवंबर 2023 को। कैप्टन अमेरिका 4। अवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग के साथ स्टीव रॉजर्स ने जहां रिटायरमेंट ले ली और अपनी आइकॉनिक शील्ड दे दी फाल्कन यानी कि सैम विल्सन को, और डिज्नी प्लस के शो द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से हमने सैम विल्सन के फाल्कन से कैप्टन अमेरिका बनने की जर्नी को देखा और उसकी स्ट्रगल से भरी जर्नी के फिनाले में उसने अपने न्यू अपग्रेडेड सूट और विंग्स की मदद से कैप्टन अमेरिका के इस न्यू रोल को एक्सेप्ट कर ही लिया। कैप्टन अमेरिका 4 सैम विल्सन की इसी एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका की स्टोरी को कैरी करेगा और शायद यही हमें फिर से देखने मिले बकी बांस भी। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हमने उस गवर्नमेंट यूनिट जीआरसी को देखा जो मैनेज करती है रिसोर्सेज उन रेफ्यूजीज के लिए जो ब्लिप के बाद 5 साल के लिए गायब होके फिर वापस आ गए। इसी जीआरसी की गलत पॉलिसीज की वजह से कार्ली मोर्गनथाउ जैसे लोग ग्रुप बना के गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फिनाले में कैप्टन अमेरिका के इस न्यू रोल में उसने सबसे पहले कोशिश की है इसी जीआरसी पॉलिसी को चेंज करने की, और डिज्नी प्लस पे आने वाले फ्यूचर शो जैसे कि सीक्रेट इन्वेजन और आर्मर वॉर्स इसी गवर्नमेंट और पब्लिक के कंफ्लिक्ट को दिखाएगा। तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका 4 में सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका डील करता दिखे इसी पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट की वजह से क्रिएटेड एक न्यू विलन से। कैप्टन अमेरिका 4 साल 2024 की फर्स्ट एमसीयू मूवी के रूप में रिलीज हो सकती है 16 फरवरी को, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसी मूवी के साथ एमसीयू का फेज 4 यहीं पर खत्म हो और शुरुआत हो एक न्यू फेज 5 की, जिसके साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होने लगेंगे कुछ और न्यू कैरेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं द फैंटास्टिक 4। मार्वल की सबसे पहली सुपर हीरो फैमिली के रूप में मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम 1961 में इंट्रोड्यूस हुए फैंटास्टिक 4। साइंटिस्ट रीड रिचर्ड्स, बेन ग्रिम, सुजन स्टॉर्म और उसका भाई जॉनी स्टॉर्म, इन चारों की जिंदगी परमानेंटली चेंज हो गई जब वो एक्सपोज हुए कुछ कॉस्मिक रेस से एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस फ्लाइट में, जिनकी वजह से उन्हें मिली कुछ सुपर ह्यूमन पावर्स और अबिलिटीज। मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है लेंथ और शेप चेंज करने के लिए बिल्कुल एक रबर की तरह।
कर सुजन स्टॉर्म जो बनी इनविजिबल वुमन, जो अपने नाम की तरह इनविजिबल हो सकती है लेकिन साथ में ही वो पावरफुल फोर्स फील्ड्स भी जनरेट कर सकती है। उसी का भाई है ह्यूमन टॉर्च जॉनी स्टॉर्म, जो अपनी बॉडी से फ्लेम्स जनरेट कर सकता है और इन्हीं की बदौलत वो उड़ भी सकता है। और आखिरी मेंबर है बेन ग्रिम, जिसे द थिंग कहा जाता है उसकी सुपर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की वजह से, जो उसकी स्टोन जैसी दिखने वाली स्किन से है। अब मार्वल के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में होने की वजह से फैंटास्टिक फोर पे पहले भी दो अलग अलग टीम्स के साथ मूवी बन चुकी है लेकिन वो सीरीज उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बट अब एमसीयू का पार्ट बनने के बाद होपफुली इन कैरेक्टर्स को प्रॉपर रीबूट मिलेगा। इसी साल की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स के एक कैरेक्टर के रूप में मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स का केमियो हमें जरूर देखने मिला। और होपफुली वो दिन दूर नहीं जब फैंटास्टिक फोर प्रॉपरली एमसीयू में डेब्यू करेंगे। फैंटास्टिक फोर रिलीज हो सकती है May 3rd, 2024 में। डेडपुल 3। डेडपुल को हमने एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में सबसे पहले साल 2009 में देखा था लेकिन इस बड़बोले मर्सनरी को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया 2016 की डेडपुल से, जहां पर हमें पता चली उसकी ओरिजिन स्टोरी। फिर उसके बाद डेडपुल 2 के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस किए गए कुछ न्यू म्यूटेंट्स और साथ ही कॉमिक्स से पॉपुलर डेडपुल का विलन केबल भी। डेडपुल एक बहुत ही फन और बड़बोला कैरेक्टर है जिसकी सुपर पावर्स है उसके हीलिंग और रीजनरेशन फैक्टर्स। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी है लेकिन उसकी सबसे बड़ी पावर है कॉमिक्स की तरह फोर्थ वॉल ब्रेक करने की। करंटली डेडपुल 3 की स्क्रिप्ट पे मार्वल के राइटर्स के साथ साथ रायन रेनॉल्ड्स भी खुद काम कर रहे हैं। मार्वल ने कंफर्म किया है कि डेडपुल 3 के रूप में एमसीयू की सबसे पहली आर रेटेड मूवी होगी। इस मूवी में विलन्स के रूप में हमें कॉमिक्स में दिखे मैडकैप और टाइफॉइड मैरी दिख सकते हैं। ये दोनों ही डेडपुल कॉमिक्स के बहुत पॉपुलर विलन्स हैं। कॉमिक्स में मैडकैप भी डेडपुल की तरह फोर्थ वॉल ब्रेकिंग कैरेक्टर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इस कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं एक्टर जिम कैरी। डेडपुल 3 रिलीज हो सकती है 26 जुलाई 2024 को। शांग-ची 2। शांग-ची के रूप में हमें 2021 में देखने मिला एमसीयू का सबसे पहला एशियन सुपर हीरो। इस मूवी से न ही सिर्फ कुछ न्यू कैरेक्टर्स एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुए बट साथ ही 10 रिंग्स की पावर्स की वजह से पोस्ट क्रेडिट में हमें देखने मिले कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की हिंट्स भी। पार्ट 2 में हमें देखने मिल सकती है 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की आगे की जर्नी, जिसकी लीडर अब बन चुकी है शांग-ची की सिस्टर जिया लिंग। लेकिन इस मूवी की स्टोरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा शांग-ची के एंड क्रेडिट में दिखा हुआ एक सीन, जहां हमने वोंग के थ्रू देखा 10 रिंग्स को एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हुए स्पेस में। अब ये सिग्नल किसे जा रहा है और इस सिग्नल की वजह से एमसीयू की अर्थ पे कौन सी बड़ी थ्रेट आने वाली है, वो हमें पता चलेगा शांग-ची के पार्ट 2 में ही। अब रूमर्ड है कि शांग-ची 2 के थ्रू ही इंट्रोड्यूस हो सकती है एमसीयू में 5 वेपन सोसाइटी, जो डिवाइडेड है 5 अलग अलग वेपन यूज करने वाले ग्रुप्स में। और ऑफ कोर्स इसी मूवी के थ्रू हमें देखने मिलेंगी शांग-ची की 10 रिंग्स की पावर्स भी। शांग-ची का सेकंड पार्ट रिलीज हो सकता है 2024 की आखिरी एमसीयू मूवी के रूप में 8 नवंबर को। एक्समैन। फैंटास्टिक फोर की ही तरह मार्वल के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक रहे हैं एक्समैन। एक्समैन ऐसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि एक एक्स जीन की वजह से म्यूटेंट्स बनते हैं और इसी एक्स जीन की वजह से सभी म्यूटेंट्स के पास होती है कोई न कोई सुपर पावर। मार्वल कॉमिक्स में 40 से भी ज्यादा एक्समैन लिस्टेड है, जो रीजन है इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा मूवीज बनने का भी। साल 2000 से लेकर अब तक 13 एक्समैन मूवीज बन चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन एक्समैन की 13 मूवीज की जंबल्ड अप टाइमलाइन को मैं करूं तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं ट्राई जरूर करूंगा। रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक केमियो के थ्रू हमें देखने मिला फर्स्ट टाइम एक्समैन का लीडर प्रोफेसर एक्स, और अब इसी मल्टीवर्स की वजह से एमसीयू में एक्समैन एग्जिस्ट करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू के फेज 5 में एक्समैन टीम को इस फ्रेंचाइजी में इंक्लूड जरूर किया जाएगा। एक्समैन मूवी रिलीज हो सकती है साल 2025 में। स्पाइडरमैन 4। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी फैंस के लिए एक ट्रीट थी, जिसमें ना ही हमें सिर्फ 3 स्पाइडरमैन बट साथ ही कई अलग अलग विलन्स भी देखने मिले, जो पुरानी फ्रेंचाइजेस को इस सीरीज के साथ जोड़ते दिखे। लेकिन मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से पीटर पार्कर की लाइफ रीसेट हो गई, यानी कि अब कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी हमें पीटर पार्कर की कॉलेज लाइफ दिखाएगी, जहां ना ही सिर्फ कुछ न्यू कैरेक्टर्स दिखेंगे उसके फ्रेंड्स के रूप में बल्कि कुछ न्यू विलन्स भी दिखेंगे। इन विलन्स में हो सकता है स्पाइडरमैन सीरीज का एक पॉपुलर विलन किंगपिन भी। डिज्नी प्लस के शोज की वजह से न्यूयॉर्क अब धीरे धीरे घर बनता जा रहा है हॉकआईज, डेयरडेविल्स और मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में फैंटास्टिक फोर की टीम का भी। तो
तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 पीटर पार्कर को इन्हीं में से किसी कैरेक्टर के साथ टीम अप करते हुए दिखाए। 1963 की मार्वल कॉमिक्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 1 में स्पाइडरमैन को टीम अप करते दिखाया गया था फैंटास्टिक 4 के साथ। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट्स में हमें दिखाया गया था वेनम और एडी ब्रॉक को सोनी यूनिवर्स में वापस जाते हुए, लेकिन वेनम के सिम्बायोट का एक छोटा सा टुकड़ा यहीं रह गया था एमसीयू यूनिवर्स में। और हो सकता है कि इसी मूवी में पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन को वेनम के सिम्बायोट को यूज करके पहनते दिखाया जाए अपना फर्स्ट ब्लैक स्पाइडर सूट। स्पाइडरमैन 4 भी रिलीज हो सकती है साल 2025 में। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में ऐसी मूवी कब आएगी जिसमें अवेंजर्स फिर से एक साथ असेंबल होंगे, बट फिलहाल जिस डायरेक्शन में एमसीयू की सभी मूवीज और डिज्नी प्लस के शोज जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स को असेंबल करती हुई मूवी हमें दिख सकती है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के रूप में। लेकिन उसके बारे में बात नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।